क्लास में हम लोग पहले फर्स्ट मॉड्यूल ख़त्म कर चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे का। फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने बताया था कि कितना कुछ है पढ़ने को इकोनॉमिक सर्वे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था फर्स्ट मॉड्यूल में। कल ही मैंने सेकंड मॉड्यूल को स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने बताया था कि लॉकडाउन इतना स्ट्रिंजेंट क्यों हमारे भारत में हुआ है, और इसका ग्राफ के थ्रू मैंने बताया है कि भारत के जो प्रयास रहे हैं स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन को करने से, इससे फ़ायदा क्या हुआ। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने बहुत सारे लैक्स पीपल का जान बचाया है। हाँ, ये लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और ग्राफ पे तुमको बताया गया कि जो सितंबर तक इसके पीक को पोस्टपोन कर दिया गया। ऐसे क्या हुआ कि इस बीच में हमको समय मिल गया अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में, हाँ, तैयारी करने में, ये सब। और श्लोक हम लोग श्लोक से स्टार्ट किए थे मॉड्यूल 2। रमानंद जी को याद होना चाहिए ये चीज़ कि जब कोई दिक्कत में है, जब कोई समस्या में है, तो वहाँ से उस समस्या से लोग को निकाल के, है ना, आगे बढ़ाना होता है, वहीं से धर्म शुरू होता है ना जी। तो ये बार बार भी बोलेंगे तो उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि इतना अच्छा वर्ड है। तो ऐसा रहा है कुछ। उसके बाद देखो, मैंने बताया है जान बचाने से बड़ा क्या हो सकता है, बिल्कुल धर्मा अभी के हिसाब से लॉ है ना, लॉ है। देखो इंडिया, अब देखो इंडिया ने क्या किया, मैं इंडिया ने बहुत फ़ायदा उठाया। मैंने कल बताया था कि क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट किया है, और उसमें शॉर्ट टर्म बहुत सारे गोल्स लाए थे, है ना। शॉर्ट टर्म में वही जो कल तुम लोग खोज रहा था कि 1000 रुपया क्यों नहीं दिया तुमको, वही वाला जो चीज़ है, ठीक है ना, शर्म होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, तो इससे क्या हुआ, देखो वहाँ पे हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर लिए और 37 लाख केसेस को बचा दिए, और इसमें यदि मोर्टिलिटी रेट होता तो कम से कम 1 लाख तो होता ही था, तो उसको बचा दिया, यानी कि 1 लाख पीपल का लाइफ बच गया, ठीक है, 1 लाख पीपल का लाइफ बच गया, यस, ठीक है, दिस वन, ठीक है। अब देखो अर्ली और सबसे पहले और मोर स्ट्रिंजेंट जो लॉकडाउन लगा है, ठीक है, ये कंट्री एज अ होल भी लगा है और स्टेट्स में भी लगे हैं। हमारे स्टेट बिहार में भी लगे थे, उत्तर प्रदेश में भी लगे थे, एंड सो ऑन। इसी का रिजल्ट है कि हमने केसेस को काफ़ी मिटिगेट किया है, काफ़ी रिड्यूस किया है, ठीक है। और ये ग्राफ के बारे में कल चर्चा हो ही गया था, बार बार नहीं करूँगा। और उसके बाद मैंने इंडिया, रसा और भी बहुत सारे यूनाइटेड किंगडम, इसने कितने जद्दोजहद किए हैं लॉकडाउन लगा के या फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, ताकि इन्होंने बहुत लोगों का बचाया है, बहुत लोगों को बचाया है। और उसमें इंडिया में तुम्हारा इंडिया सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसमें स्टेट्स का बात आता तो उत्तर प्रदेश सबसे बेस्ट है, और सबसे नेग्लिजेंट जो स्टेट रहा है वो महाराष्ट्र रहा है, ठीक है, बहुत सारे रीजन को लेके। और उसके बाद देखो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो बोले थे कल लाइवलीहुड के लिए, तो कल मैंने बता दिया था तुम लोगों के क्लास में कि कितना टारगेटेड पॉपुलेशन थे अलग अलग सेक्शंस के, उसमें वल्नरेबल भी थे जैसे एज्ड विडोज, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन, है ना। तो उसको लगभग 2.81 करोड़ टारगेट किया गया था, और अमाउंट कितना पैसा राशि आवंटन किया गया था, तो कह सकते हैं हम 3000 करोड़, ठीक है ना, यहीं पर पैसा तुम ढूंढ रहा था अपना, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग को किया गया, EPFO किया गया, एंड सो ऑन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी किया गया, वही सिलेंडर वाला, और ये इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, है ना, ये हम लोग किए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, और ये तो शॉर्ट टर्म हुआ। शॉर्ट टर्म मतलब क्या कि जो तत्काल अभी तुमको चाहिए, अभी जो क्राइसिस है फिलहाल उसको कैसे सॉल्व करोगे, हाँ, तो ये चीज़ था। अब मीडियम और लॉन्ग टर्म पर बात होगा, तो मीडियम टर्म पर बात होगा, तो मीडियम टर्म के बारे में कल बताए थे, याद होना चाहिए तुम लोग को। तो यही बोले थे, यहीं पे तुम्हारा क्या था जी, अंडर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी पर बात हुआ था। हाँ, जाते जाते मैंने इस चीज़ पे बल भी दिया था कि एक इकोनॉमी का एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे डिमांड नहीं है और जो सप्लाई सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया, क्योंकि मोबिलिटी कमी है, नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, और उसी वजह से आपका सरकार बार बार बोलती है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा है, सरकार तो अपना दलील लेकर आ ही रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी कब होता है, जब लैक ऑफ डिमांड रहता है, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन होता है, और कॉरपोरेट स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो पैसा लिए थे, जो लोन लिए थे कहाँ से, बैंक से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, उसको पैसा हम नहीं दे पाए 90 दिन में, तो NPS हो गया, और यही कारण है
कि एट द सेम टाइम सरकार बोलती है कि ठीक है हम समझते हैं कि आपके पास पैसा नहीं होगा और ना ही आप कमा सकते हैं, इसलिए हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बहुत लगभग 9 या 10 महीने के लिए हम आपको इसमें स्टेटस को लगा मतलब वो लगाते होल्ड कर देते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कहा गया है कि ये लंबा टाइम के लिए अच्छा बात नहीं है क्योंकि हम लोग का बुरा एक्सपीरियंस है, फिर रघुराम राजन लाए थे फिर कारपेट से निकाले थे, पता चला था कि एनपीएस खूब बढ़ गया है कंट्री में और ये नेगेटिव असर है, यदि एनपीएस ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लोग भी आना नहीं चाहेंगे कंट्री में क्योंकि यदि कंट्री कोई कर्ज में है, जैसे मान लो कि बाबू पहले से तुम कर्जा में है तो काहे लेंगे तुमको पैसा हम, है ना, और छवि खराब करके रखा हुआ है कि नीतीश पैसा ले लेता भाग जाता है और देगा नहीं कभी, होता है कि नहीं होता, हम उसको नहीं देखते। आज इसका छवि बढ़िया है, जिसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको क्रेडिट देता है कि A++ है, बोले वाह टाइम पर लौटा दे दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, दे देगा, ये यही होता है। तो कंट्री एज अ होल भी होता होगा इसी तरह। तो आगे देखें तो सिंपल रिफ्लेक्टिंग, इसी को क्या किया, तो इसके लिए यदि अंडर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी से निकलना है तो जरूरी क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का सबसे ज़्यादा आवश्यक है। मैंने बोला है कि GDP निकालने का बहुत तरीका होता है जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही रमानंद जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ ब्रिजेस बना दिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बात होगा, आगे मॉड्यूल में देखेंगे इस चीज़ को और डिटेल में जाने वाले हैं हम लोग, समझे बात को, ये कल बता चुके हैं। और उसके बाद यही तो यही प्रिसाइज रीजन रहा है जिसकी वजह से सरकार ने बहुत सारा सेवरल मल्टी सेक्टरल सप्लाई साइड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए हैं ताकि हमारा जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो रेजिलियंट हो सके, वो रोबस्ट हो सके, अच्छा हो सके, कोई दिक्कत ना हो। हम मानते हैं कि डिमांड कम है, क्यों ना रहेगा, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो गया है मेरा, जब परचेजिंग पावर कम हो गया तो कहाँ रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे हम, उसका जरूरत नहीं है, पुराना वाला था चलेगा वो अपना, आदमी के जेब में पैसा होता है तब ना आदमी खरीदता है फालतू फालतू का चीज़ सब, और पैसे कम है तो फालतू का चीज़ पर खर्च ही नहीं होगा, इसलिए डिमांड घट जाता है वहाँ पर, और डिमांड घट गया तो प्रोडक्शन घट गया, मार्केटिंग में। तो देखो ये सब चीज़ बता चुके थे, अब हम समझेंगे कि मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या हुए हैं, ये कल के क्लास में ये बोल चुके थे और अब स्टार्ट करेंगे आज के क्लास के लिए, तो मैंने रिवाइज कर दिया, ठीक है ना, अचानक स्टार्ट करना मुश्किल था वो चीज़ को। अब देखो मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, तुम्हारे जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था, है ना, आत्मनिर्भर अभी से सुन रहे हो तुम, 3-4 महीना सुन रहे हो ये चीज़, 3-4 महीना क्या उसी पहले सुन रहे हो, एडिटोरियल में तो लगभग सुनते ही हो हमेशा, इंडियन बजट में भी सुनने को मिलेगा तुमको ये चीज़। देखो इसमें क्या हुआ, 3 फार्म्स लॉज लाए गए हैं, लंबा समय तक रहा और इस पर जो विवाद चल रहा है सब जान ही रहा है तुम, ये भी एक्चुअली से रिफॉर्म्स ही था, एक दृष्टिकोण से देखोगे तो ये भी रिफॉर्म्स था, वही अलग बात है कि वेल डेवलप्ड APMC मंडी जो तुम्हारा उधर है, तो ये इसी कारण कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट किए, अब इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसमें हम बहुत टाइम खर्च किए हैं समझने के लिए, और सब जानते हो आजकल तो आराम से APMC मंडी के आराम से बोल दोगे, एक समय था विद्यार्थी को कुछ नहीं पता रहता था रमानंद जी, है ना, अब इतना लोग कॉमन आदमी को अवेयर हो गया कि APMC मंडी क्या होता है, समझे। तो 3 फार्म लॉ जो कि इतना लंबा समय से अटका हुआ था उसको पास किया गया, भले ही राज्यसभा में गलत तरीके से पास हुआ हो, और इस पर कल भी राज्यसभा में हंगामा हुआ था कल, रमानंद जी को पता होना चाहिए कल हुआ था राज्यसभा में जी। उसका देखो हाँ यहाँ से स्टार्ट, देखो न्यू MSME डेफिनेशन कवर ऑलमोस्ट 99% ऑफ द ऑल फार्म्स एनेबलिंग MSME टू ग्रो इन साइज एंड क्रिएट जॉब्स। अब जो नए MSME हैं वो लगभग तुम्हारे 99% तुम्हारे क्या है कवर्स, कहने का मतलब क्या है इतने बड़े हैं कि दे कैन क्रिएट जॉब्स, यानी कि MSME इतने बड़े हैं कि दे कैन क्रिएट द जॉब्स, और MSME इतने बड़े हैं तो यस यू हैव टू गिव फिस्कल स्टिमुलस टू द MSME, आपको अलग से राशि देने होंगे, इसलिए निर्मला सीतारामन आती थी और बोलती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी बोलती कि इतना इतना हम MSME में दे रहे हैं, क्योंकि जानते हो बैकबोन है MSME। अब MSME का मतलब यही नहीं है कि केवल वो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है वो तुम्हारा सर्विस वाला भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ हो सकते हैं, दोनों ही हैं ठीक है ना, तो वही है तुम्हारा आर्टिफिशियल सेपरेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग। अब जो देखो यही तो बोल रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बीच में MSME अलग अलग बोल रहे थे उसको हटा दिया गया, MSME दोनों ही हो सकता है, ये भी हो सकता है वो भी, जो सेपरेशन था उसको खत्म कर दिया गया, और MSME के लिए एक नया डेफिनेशन भी तो लाया गया था पिछले साल कि अब टर्नओवर के हिसाब से होगा ठीक है। 4 लेबर कोड्स लाए गए हैं, इनेक्ट किए गए हैं, और नाउ 1 लेबर रिटर्न 1 लाइसेंस एंड 1 रजिस्ट्रेशन ठीक है।
एक लेबर रिटर्न रहेगा, एक लाइसेंस रहेगा, वन रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि आसान आसान कर देना, लेबर को जॉब मिलना, लेबर को प्रोटेक्शन मिलना, वो ये बहुत लंबा मांग चल रहा था जिसके लिए लेबर कोड लाया गया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अदर सर्विस प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फैसिलिटेटर वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो अपना गाइडलाइंस वगैरह ये निकाला ये ताकि वो सिंपल कर सके कि आदमी कहीं भी काम कर सके, कोई दिक्कत ना हो, कोई डिस्प्यूट हुआ तो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा, एवरीथिंग। यानी कि ये सभी चीज़ क्या है, ये सभी चीज़ मल्टी सेक्टोरल सप्लाई साइड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का पार्ट है, समझे। अब देखो ये तो मैंने कल भी बताया था, तो इसमें तो बोला है सरकार ने, क्लियरली बोला है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें से मात्र हम एक से लेके चार तक स्ट्रेटेजिक वाला जो है उसको रखेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम को हम डिसइन्वेस्ट कर देंगे या प्राइवेटाइज कर देंगे। बात हुआ ही था, और यूनियन बजट में भी तुम लोगों को देखने को मिलेगा जब पढ़ाएंगे तो। क्यों? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि ये प्रोडक्टिव नहीं रहता है। और प्राइवेट प्लेयर रहेंगे तो पैसा आएगा, तो जो हम राशि जो कमाएंगे तो जो मार्केट बोरोइंग जो ले रहे थे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से हम सरप्लस इकोनॉमी में स्टिमुलस लगा सकते हैं, उससे लिक्विडिटी भर सकते हैं, या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ खर्च कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकते हैं। तो ये फालतू का जो PSU सब है जो अनप्रोडक्टिव है उसको हटाना होगा, बस उसी को रखेंगे जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, जैसे डिफेंस से रिलेटेड हो गया है ना, सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी से जो रिलेटेड होगा, समझो उसी पे बात है। कमर्शियल माइनिंग इन कोल सेक्टर ऑल्सो अलाउड, इसके बारे में बताएंगे। अब कोल सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स भी, बाहर के भी लोग आ सकता ऑक्शन के लिए, तो यही तो कोल इंडिया लिमिटेड का मोनोपोली खत्म कर दिया गया था, बहुत साल से, दो साल से लगभग चल ही रहा है ये चीज़, ठीक है। जो डिस्टिंक्शन था कैप्टिव और मर्चेंट माइंस का, वो भी रिमूव कर दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से प्राइवेट प्लेयर को, मैं बताऊंगा FDI को इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया कोल माइनिंग में। कोल माइनिंग का जो ऑप्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा, अब क्या आंकड़ा है तो सेकंड मॉड्यूल, इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल सब आएंगे उसमें बताएंगे हम तुमको, ये समझ गए। तो ये कि मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं COVID-19 में, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि क्राइसिस को कैसे सरकार ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। पहले शॉर्ट टर्म मेजर्स लागू किया है गरीब को देख के, दूसरा क्या है तुम्हारा, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं उसमें ये सभी चीज़ चेंज किया गया, MSME को बार बार देना, ठीक है, लेबर कोड को बनाना, ये फार्म एक्ट बनाना, ठीक है, ये प्राइवेटाइज करने का सोचना, कमर्शियल माइनिंग को वो और कर देना, उसका FDI बढ़ा देना, ये सभी मेजर रिफॉर्म्स हैं, समझ रहे हैं रमानंद जी। कई लोग तो इसको LPG से आज भी रिलेट कर रहे हैं, मगर इंटेलेक्चुअल लोग नहीं जो सरकार की तरफ से वो कर रहे हैं, मिनी बजट। तो हमारे मोदी जी भी तो बोले ही हैं कि निर्मला सीतारमन सच में मिनी बजट ही तो लेकर आई थी वो। हाँ, तो आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आप मिनी बजट लेकर आए हैं, हाँ, निर्मला सीतारमन जो लेकर आई है पिछले साल, कई लोग मोदी जी के उधर से ही बोलते कि LPG वाला टाइप का है, तो हम इसको LPG अभी इतना अर्ली होगा बोलना, ये चीज़ LPG अभी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर साबित हुआ था वो चीज़, वो एक जर्नी है, प्रोसेस है, बाद में पता चलता है कि वो LPG है या फिर दूसरा वाला LPG है, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से कोमल क्या होना चाहिए, LPG है, क्योंकि बड़ा बड़ा बात हुआ यहाँ पे, बड़ा बड़ा मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस है, डू यू थिंक LPG है ये, डू यू थिंक सो, कैसे पता चलेगा तुमको LPG है, बोलो जल्दी बोलो, यस, क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन LPG का मतलब है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि जितने मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस तुमको देखने को मिले, हाँ, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में जो कन्वर्ट किया गया और यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया गया, तो मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या ये भी LPG के कंसोनेंस में है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कैसे बोलेंगे, LPG थोड़ी 1991 में भूगना शुरू कर दिए हैं, जब LPG का हमको रिजल्ट मिला तब हुआ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम मेरा बात भी नहीं समझे तुम लोग, थोड़ा हमको अब मान लो कि हमारा इकोनॉमी बहुत बूम कर जाता है तब हम बोलेंगे छोड़ो अभी, हाँ तो भी सेफ आने के बाद भी ओवरऑल आपका 2.4% ही ग्रोथ हुआ है 2019 और 20 की तुलना में,
21 और 22 का। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तुम लोग से मैं वही तो चाहता हूँ कि तुम लोग और इकोनॉमिक्स में आज मेहनत करेंगे तो 5-6 साल बाद हमको रिजल्ट पता चलेगा। जैसे नोटबंदी रुकिए, नोटबंदी जैसे 2016 का नवंबर में बंद हुआ, रुक जाओ पहले बात समझो, पहले इधर समझो फिर पूछना थोड़ी देर में। जैसे 2016 में हुआ था तो कमर टूटा कि नहीं टूटा, 18-19 में पता चला कि नहीं पता चला, GST लाए 17 में असर पड़ा अभी तक, क्योंकि स्टेट रेवेन्यू लॉस कर गया, स्टेट का जो फिस्कल तुम्हारा फ्रीडम होना चाहिए वो लॉस कर गया। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स ऐसा चीज़ है कि जो आज हम करेंगे उसका रिजल्ट हमको 5 साल में 6 साल में असर पड़ता है, और सरकार हर समय कोशिश करती है कि अपना क्लेम करना। आर यू गेटिंग मी? हाँ रामानंद जी क्या बोल रहे थे आप? गलत होगा। हाँ देखो LPG तो आए ही कंट्री में, मतलब मैं समझ, मैं बोलने का मतलब ये भी था मेरा कि LPG इतने बड़े रिफॉर्म्स थे, क्या उसी के हिसाब से ये भी इस रिफॉर्म्स को भी इसी लेवल को देख सकते हो? ये था हम, अगर देखो कल ही तुम्हारा बात हुआ था कि डिस इन्वेस्टमेंट का सपना बहुत बड़ा था, मैं कम किया था, इसलिए इकोनॉमिक एडवाइजर जो इकोनॉमिक सर्वे बनाए हैं वो गवर्नमेंट को बोले भी हैं कि आपका रिलाइजेशन बहुत कम हुआ है डिस इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन भी बेस्ट होगा तभी तो मैनेजरियल आएगा, मैनेजमेंट प्राइवेट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इसी तरह कभी कभी चिंतन कर लिया करो, ठीक है, खाली पढ़ने से नहीं होता है, थोड़ा एनालिसिस भी किया करो, ठीक है। अब देखो जो जो बताए थे सभी तुम लोग मैक्सिमम जानते ही हो। देखो दूसरे जो मेजर बाबू आत्मनिर्भर भारत पैकेज में लाए गए हैं वो सेवरल मेजर्स टू गिव थ्रस्ट टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा चीज़ हुआ है। देखो मैंने बोला कि नहीं बोला, 10 आइडेंटिफाइड सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया गया, पहले 3 था फिर 10 किया गया, यानी कि ओवरऑल 13 है, होप सो। पहले मोबाइल था, टेलीकॉम था, उसके बाद बहुत सारा बढ़ा के और भी कर दिया गया। कितना बार पढ़ाए थे ये चीज़, है ना। उसका नेशनल GIS इनेबल लैंड बैंक सिस्टम को लॉन्च किया गया, ये क्या है तो जानेंगे इस चीज़ के बारे में। उसका देखो इन स्पेस, ठीक है, ये एक बनाया गया ताकि, देखो ये इसलिए कि बाहर कंट्री में क्या हो रहा है, बाहर कंट्री में देख तो यू शुड टर्न सो डैट यू कैन, ठीक है, नो यू उसको इनको बताओ जरा कि कैसे वो ऊपर रोटेट, यू हैव टू रोटेट नो, हाँ वो ऑन करिए उसको, यू आर डूइंग सेम मिस्टेक, यस। हम लोग का तो इजी से हो जाता है, तो मोबाइल तो आप वो आपको नहीं आता ठीक से। देखो मैं क्या बोला था कि जो देखो बाहर का जो एलन मस्क है कितना आगे निकल गया, इंडिया में पॉसिबिलिटी है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना ही तगड़ा से बढ़ रहा है, जब इंडिया में बढ़ रहा, इसलिए इस चीज़ को तवज्जो देने के लिए कि प्राइवेट लोग सब भी आए स्पेस में। इसरो बहुत गजब का काम किया है ना, इसरो के बारे में देखो कल भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पढ़ाए हैं, है कि नहीं। तो अब इसलिए हमारा वहाँ पे इन स्पेस हुआ है ताकि प्राइवेट कंपनीज भी तुम्हारा सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, जिसका ये प्रोग्राम है इन स्पेस, समझे बात को। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है, कोमल कंपटीशन आ सके, इस वर्ड का मतलब होता है प्राइवेट कंपनीज के लिए, ठीक है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, स्पेस बेस्ड सर्विस को तवज्जो देते हैं विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन स्पेस, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके प्राइवेट कंपनीज भी मतलब लॉन्च कर सकता है, ठीक है। अब व्हीकल जो होगा रॉकेट वो अपना देगा इसरो, समझे ना, और फिर वही श्रीहरिकोटा से जाएगा ऊपर। देखो लिबरल जियो स्पेशियल डेटा पॉलिसी और प्रोवाइडिंग रिमोट डेटा टू टेक एंटरप्रेनर्स। अब देखो जो टेक्नोलॉजी वाले जो एंटरप्रेनर हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी हमने अरेंजमेंट किया है, डेटा पॉलिसी किया है ये जियो स्पेशियल, यानी कि जितना टेक्नोलॉजी में क्या होता है जितना डेटा होगा उतना बेटर होगा, तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट कर दिया है। उसके बाद देखो FDI का जो तुम्हारा है FDI डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट में जी उसको 49 से 74 कर दिए, तो वही तो मैं बोल रहा था कि डिफेंस में। अब रमानंद जी इस पर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, देखिए यही चीज़ मनमोहन जी ने भी कोशिश किया था उनके टेन्योर में, बताता हूँ पहले सुन लीजिएगा ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, वह उस समय BJP या फिर अन्य जो पार्टी थे विरोध किए थे इस चीज़ का, और यहाँ तक जो तुम्हारा ये जहाँ तक सीतारामन ये चोरी जो है
ये चोरी जो कि कम्युनिस्ट के हैं, उसने तो गलत बोल दिया कि बाहर का लोग से बेच दिया, बाहर के लोग आएंगे बिक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बात था, मगर देखो फिर मोदी जी को करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जब आप खुद सरकार में रहते हैं तो जो चीज़ आप विरोध किए थे मगर आप खुद कर रहे हैं, इसलिए सरकार चलाना थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अपोजिशन में रहना। और गजब बात है कि कोई भी, यानी कि सरकार कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा ये क्या बात हुआ? फिर अपोजिशन को भी सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन हर समय कुछ भी किया हर समय खराबी बोलिएगा उसको आप, ऐसा कैसे हो सकता है यार। और इससे आपका भी छवि खराब होगा, ये भी जान लीजिए। हाँ, ये मैं केवल कांग्रेस को नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी का भी वही हालत है, सब वही हालत है। यानी कि ये लोग जो पॉलिटिक्स इन लोग का है ना, वहीं तक सीमित है, कोई हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, कल देखे ना संबित पात्रा जो क्या किया आपका, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया ना चोरबा वो, तो हम ऑन रिकॉर्ड है, फिर भी हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए हम बोल रहे हैं, वो आदमी एक ब्लॉट है, एक धब्बा है, ठीक है। मैं रिकॉर्ड हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्लॉट है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से वो बात करता है वो डायरेक्ट ध्रुवीकरण कर देता है चीज़ों को, यानी कि पूरा पेंट कर देगा वो चीज़ों को कोई बीच में कुछ नहीं रखता। अब बेचारा देखो, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, हम बीजेपी के सपोर्टर है ना कांग्रेस के सपोर्टर है। इंदिरा गांधी को बार बार क्यों बोला जाता है कि इटली से? अरे भाई, वो शादी करके आई है, और हमारा तो मेहमान नवाजी का कल्चर रहा है हमको। और क्या बात करते हो, हाँ क्या बात करते हो तुम लोग, हमने पारसी को शरण दिया है इस कंट्री में, हमने इस्लाम को शरण दिया है इस कंट्री में, हमने क्रिश्चियनिटी को शरण दिया है, तो इटली वाला कौन सा बात होगा? तो एक आदमी आया है वहाँ से, बार बार इस चीज़ का लाभ उठा के और हर समय एक महिला पे टारगेट करना। तो यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि महिला सशक्तिकरण के विरोध चल रहा है संबित पात्रा या उसका पार्टी, ये कोई बात करने के लिए तैयार नहीं रहेगा यहाँ पे। मैं ये लोग खूब सुनेगा, भगवाधारी टाइप का जो विचारधारा वाला लोग है, वो बोलेगा कि देखो इटली से आया रूल कर देगा। अरे भाई, जितना साल वो इटली में नहीं रही है उतना साल इंडिया में रह चुकी है वो, हाँ ससुराल है, तो उस हिसाब से वसुंधरा राजे को राजस्थान का बनना ही नहीं चाहिए था। वसुंधरा राजे को, वो भी शादी करके गई थी वहाँ पे, हाँ वसुंधरा राजे जो आपकी जो पूर्व रही है सीएम, तो वो बहू है वहाँ राजस्थान की, तो वहाँ पे तो आपने कोई इस तरह का कैलकुलेशन नहीं किया, क्यों स्टेट है बच गया, इसलिए ये गलत है तरीका, ये तरीका बहुत गलत है, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो वहाँ पे बाबू क्या हुआ, देखो डिफेंस में इतना कुछ हुआ है, प्रधानमंत्री ई विद्या, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन के लिए बाबू तुम लोग मल्टी मोड और इक्विटेबल एसेस कर सकते हो, बहुत सारा किताब पता चल गया है, नोबल्स ये वो पढ़ने के लिए, ई विद्या विल गेट पोर्टल है ये, ठीक है। आप तो देखते हो ऑनलाइन कहीं से भी एसेस कर लो, लाइब्रेरी है सब है वहाँ पे। उसके बाद डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन परमिसिबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, तो हमारे क्या है कि बहुत सारे हमारे जो पब्लिक तुम्हारे इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज सब है, वो भी तुम्हारा क्या है फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब, हम अपना भी जितने भी कंपनीज है उसका भी थोड़ा ओवर रीच कर रहे हैं, वॉइस उसका बढ़ रहा है, ताकि वो इंटरनेशनली भी बेस्ट कर सके। फेसलेस टैक्स लगेगा, वही 12 पॉइंट टैक्स चार्टर है। यानी कि देखो, अभी तुम लोग जानते हो ना कि अभी किस तरह शेयर मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी जा रहे हैं, मगर फाइनेंशियल लिटरेसी होना जरूरी है कि नहीं है, तो यही सब चीज़ को तवज्जो देने के लिए ये फेसलेस टैक्स और 12 पॉइंट टैक्स पेयर चार्टर लाया गया है। नहीं तो आदमी फिर देखो, शारदा जो चिट फंड वाला जो हुआ था, यानी कि हमको उतना जानकारी नहीं था इसलिए हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तो अभी ज़रूरी है कंट्री में जिस हिसाब से तुम्हारा शेयर मार्केट या जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री में मैक्सिमम लोग को अवेयर करवाया जाए फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, और उसी का एक प्रयास है ये, समझे। फाइनल शब्द क्या है? तो फाइनल शब्द यही है, द स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन वॉज मोटिवेटेड, जो बोले कि बहुत तगड़ा लॉकडाउन होना चाहिए। ये नोबल प्राइज विनर जो थे, रिसर्च जो किए थे, इनका नाम, दो आदमी का नाम है देख लेना, दैट रिकमेंड्स अ पॉलिसी फोकस्ड ऑन मिनिमाइजिंग लॉसेस इन वर्स्ट केस सिनेरियो व्हेन द अनसर्टेनिटी इज वेरी हाई। इसमें बोला कि आप, इसमें वही बोला गया है कि जो इंडिया जो किया है, ठीक है ना, इंडिया जो किया है, समझ रहे हो, इंडिया ने क्या किया, स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया है,
और इंडिया ने जो फिलोसॉफी अपनाया, क्या फिलोसॉफी, कि आदमी का लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इकोनॉमी फिर से सुधर जाएंगे, तो ये भी चीज़ नोबल पीस प्राइज, जो नोबल जो प्राइज विनर है ये भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे उनको कोट किया गया है, समझ गया ना, वही चीज़ है। जब अनसर्टेनिटी बहुत हाई हो, ठीक है, तो वही सब, जैसे कि अनसर्टेनिटी हाई था कि नहीं था हमारा कोविड 19 में। अब देखो इंडिया क्या है, वी शेप्ड रिकवरी कर रहा है ना, स्टेबल करेंसी होगा, कंफर्टेबल करेंट अकाउंट है हमारे पास, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ ही रहा है, आप देख ही रहे थे, ठीक है, हम साइंस में इनकरेज कर ही रहे हैं साइंस को, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट में हमारा बढ़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़े, इसके लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कर दिया हमने, और भी बहुत सारा, डिफेंस में हमने 74% ला दिया, बहुत सारा किया हमने। उसके बाद देखो इंडिया इज नाउ रिपिंग द लॉकडाउन डिविडेंड, और इंडिया को बाबू अब फल मिल रहा है लॉकडाउन का, ठीक है, मिल रहा है। देर वॉज अ बेस्ड ऑन द ह्यूमन प्रिंसिपल, वही सेविंग अ लाइफ डेट इन जीपर्टी, यहीं से बात शुरू होता है जो बता चुके हैं महाभारत का लाइन। द पॉलिसी मैच्योरिटी डिस्प्लेस टू नॉट वेस्ट अ क्राइसिस, ये पॉलिसी दिखता, पॉलिसी का मैच्योरिटी तब दिखेगा बाबू कि कैसे कोई क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेता है, समझे, और जहाँ पे हमने लाइफ्स को भी बचा दिया और लाइवलीहुड को भी बचा दिया, चाहे हमने इंटरवेंशन किया शॉर्ट टर्म के टर्म्स में, चाहे मीडियम टर्म्स के टर्म में, चाहे लॉन्ग टर्म्स के टर्म में, एज अ रिफॉर्म्स मेजर्स, इट शिफ्टेड द फोकस अवे फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पेन क्रिएटेड बाय द क्राइसिस टू द पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स इंजेंडर्ड बाय द पॉलिसी रिस्पॉन्स। और यहाँ तुमको क्या है कि हमने पूरा फोकस किया कि ठीक है थोड़ा दिन के लिए दिक्कत है, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, और इस सोच से हमने रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया है, समझे, दैट इज द सेकेंड मॉडल ऑफ द